नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत स्पेशल बर्फ़ी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए सिंगाड़े का आटा, और आधा कप हमने लिया यहाँ पे चीनी, एक कप सिंगाड़े का आटा, आधा कप चीनी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो पैन में आइए, ड्राई रोस्ट करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है उसको। तो बादाम है, सूखा नारियल है, और थोड़े से काजू हैं। इन सबको मैं सूखा ही भून लूँगी। और जब ये भून जाएंगे तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ठंडी होने के लिए तब ये जो पैन है उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। तो पैन अभी हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, कढ़ाई या पैन। तो अभी मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने, और लो फ्लेम पे ही हमें सिंगाड़े का आटा को भूनना है। कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए हमें सारे टाइम आटे को भूनते वक्त लो टू मीडियम ही फ्लेम रखना है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा प्रोसेस ज़रूर देखिए, और इसी प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने और 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर लिया है। तो बाद में भी आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। तो भूनते भूनते लगभग मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे ही। तो हल्का हल्का ये देखिए कलर चेंज हो रहा है आटे का। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे उसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है इसे। इसे भी हम इस आटे में मिक्स करेंगे, इस ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर को डाल दिया है, और इसे भी आधे मिनट लगभग भुनेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग भुन चुकी है और ड्राई फ्रूट भी भुना हुआ है। तो मिक्सचर हमारा रेडी है, अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में अलग से, और सेम कढ़ाई में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस आप फ्रेंड्स पूरा अच्छे से वॉच कीजिए, नहीं तो ये बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपको ये प्रोसेस, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ये आटे को हम अलग रख लेंगे, और उसी पैन में डाल लेंगे हम दूध। तो दूध हमें इतना डालना है जितना हमने आटा लिया था, लगभग 1 कप के बराबर इसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध ऑलरेडी गर्म है, रूम टेम्परेचर पे ठंडी हुई दूध है, गर्म करके ठंडी किया हुआ। और अब इसे 2 उबाल आने के बाद में ये जो आटा रखा है इसे डाल दूँगी, और अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गांठे पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमें अच्छे से गांठों को फोड़ते हुए, कोई भी लम्स फ्री हमें बर्फ़ी बनाना है, कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है, और आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम मिक्स कर रहे हैं दूध अब्सॉर्ब कर रहा है, और अच्छा सा हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। तो ये मैं देखिए सारी गांठें लगभग ख़त्म कर रही हूँ, इसी तरीके से मिक्स भी करना है और सारे लम्स को भी फोड़ते जाना है। और उसमें डाल दिया है मैंने स्वाद और सुगंध के लिए इलायची का पाउडर। और देखिए मिक्स करते करते ना तो गांठें हैं, और दूध भी हमारा सारा अब्सॉर्ब कर लिया है आटे ने, और मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तली बिल्कुल छोड़ रहा है, पैन में कहीं भी लग नहीं रहा है। तो मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब आप जिसमें बर्फ़ी जमाना चाहते हो वो टिन ले या थाली ले, उसमें ग्रीस कर ले घी से, और इस जो मिक्सचर को रेडी किया है हमने उसको उसमें फैला देंगे। तो अब ये गर्म है, मैं स्पैचुला से ही इसे इवनली बराबर से बिल्कुल फैलाऊँगी, क्योंकि काफ़ी गर्म है, और अच्छे से दबा दबा के एकदम इवन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमें रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसमें डाल दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स, तो कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम की कतरनों से इसे गार्निश किया है, और अच्छे से इसे दबा दिया है। तो अब इसे ठंडी होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा मैंने इसे ठंडी होने के लिए रख दिया है, और ठंडी होने के बाद अब इसमें हम कोई भी शेप दे देंगे। तो मैंने स्क्वायर शेप दिया है, आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, और अच्छे से कट कर ले। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें स्क्वायर शेप डाल दिया है,
तो आप किसी भी तरीके से बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं इसमें। और ये मैंने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को आप जन्माष्टमी आने वाली है उस वक्त में बनाइए, और आप इस बर्फ़ी को स्टोर भी करके रख सकते हैं, नवरात्रि में खा सकते हैं, सोमवारी के व्रत में खा सकते हैं, किसी तरीके का व्रत हो, शिवरात्रि, नवरात्रि या जन्माष्टमी, कभी भी आप इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार करके रख सकते हैं पहले से ही। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली ये निकल रहा है और शेप बिल्कुल अच्छे से शार्प दिख रहा है। तो इसे मैंने पूजा के लिए ही तैयार किया है, तो पूजा के प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरीके से सारे बर्फ़ी के पीसेस को, और इसे हम इसी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें, और अगर आपने ट्राई किया है तो वो भी हमें बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी, और अगर आप कोई रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।